गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम रीजनिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने जो लास्ट टाइम रीजनिंग करी थी वो अल्फ़ाबेटिक लॉजिकल रीजनिंग थी, और अब आज जो हम रीजनिंग करेंगे वो है हमारी नंबरिंग की रीजनिंग। ओके स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कुछ डिजिट दी गई है, हमें इन्हें सिक्वेंसली फॉलो करना है तथा इन पैटर्न्स को फील करना है। जैसे कि ये देखिए हमें यहाँ फर्स्ट में तीन डिजिट दी गई हैं 17, 21 एंड 25, ठीक है ना। आगे हमें क्या दे रखा है, 17 हमें दे रखा है और आगे का 2 हमारा ब्लैंक है। अब हमें इन डिजिट को ध्यान रखते हुए देखना है कि हमें कौन सी डिजिट दी गई है, कौन सी डिजिट ब्लैंक है और किस डिजिट के बाद पे कौन सी डिजिट आनी है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए 17 हमें दे रखा है, 2 ब्लैंक है, तो 17 के बाद यहाँ कौन सी डिजिट दे रखी है, 21, तो यहाँ 21 फिल कर देंगे। और आगे कौन सी डिजिट दे रखी है, 25, तो हमें 25 डिजिट कर देंगे, फिल कर देंगे। सेम इसी तरह से आगे देखिए डैश 21 25, ध्यान दीजिए 21 और 25 हमारे पास ऑलरेडी है डैश। क्या मिसिंग है भाई, 21 भी है 25 भी है, तो हमारे क्या मिसिंग है यहाँ पर, 17, तो हमने यहाँ 17 फिल कर दिया, ठीक है। हमें इन्हीं डिजिट्स को फॉलो करना है और इनको ही ध्यान रखते हुए हमें अपने इन पैटर्न्स को फिल करना है। देखिए नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, 33, 39 एंड 45। अब देखिए स्टूडेंट्स 33-45 हमारे पास है, 45 हमारे पास है, तो हमें कौन सी डिजिट मिसिंग है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 33-45, तो यहाँ 33 भी है 39 नहीं है हमारे पास, तो यहाँ क्या आ जाएगा 39-45 है। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए फिर 33-33 के बाद यहाँ 2 ब्लैंक है। अब देखिए यहाँ कौन कौन सी डिजिट मिसिंग है, कौन कौन सी मिसिंग है स्टूडेंट्स, 39 एंड 45, तो यहाँ आप लिख दीजिए 39 एंड 45। इसी तरीके से हमें पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखिए, यहाँ हमें 2 डिजिट दे रखे हैं, 67 एंड 71, यहाँ हमें 2 डिजिट दे रखे हैं स्टूडेंट, 67 एंड 71। अब देखिए 67-, अब हमें 67 तो है लेकिन आगे हमें क्या फिल करना है, जैसे कि आपने ऊपर भी समझाए, सेम इसी तरह से देखिए 67 के बाद हमारे क्या डिजिट है स्टूडेंट, 71, तो हम यहाँ क्या फिल कर देंगे, 71। नेक्स्ट में देखिए डैश एंड 71, यहाँ हमारे पास 71 है लेकिन क्या कौन सी डिजिट मिसिंग है, कौन सी डिजिट मिसिंग है, इन वाली डिजिट को ध्यान दीजिए, कौन सी मिसिंग है, 67, यहाँ फिल कर देंगे हम 67, हमने यहाँ 67 को फिल कर दिया है। इसी तरह हमने इस तरह से सभी पैटर्न्स को कंप्लीट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स अब आपको इन पैटर्न्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इन्हें समझना है। ओके थैंक यू।